आज किसमें हम बात करने वाले हैं निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से कैसे अप्लाई करना है, उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। और आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर उस वाले वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रीडायरेक्ट होकर उस वाले वीडियो को देखेंगे और कैसे बताया है कि मैंने निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंट सर्टिफिकेट को आप कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करोगे। और मैंने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इसे आप कैसे डाउनलोड करोगे। दोस्तों आपको 10 दिन का समय लगता है, मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बना रखा है कि आप उसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे। और दोस्तों इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आज पूरा 10 दिन हो चुका है और मैंने इस वाले वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे डाउनलोड करोगे, निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंट सर्टिफिकेट को आप कैसे डाउनलोड करोगे। दोस्तों आज किस वीडियो में सारा जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, तब वीडियो को इन तक जोड़ दिखेगा। और वीडियो जरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे दबा देंगे ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, serviceplusonline.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रिडायरेक्ट होकर यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको जाति आय निवास को आप यहां से कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहां पे आ जाएंगे। आवेदन की स्थिति देखे पर आप यहां से दो तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला यहां पे आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक करके और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें पर आप कर सकते हैं डाउनलोड। तो सबसे पहले मैं आपको आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक करके दिखाता हूं कि इसमें आप कैसे डाउनलोड करेंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें, इस पर कैसे क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आवेदन की स्थिति पर क्लिक करते हैं, उसके बाद मैं इस पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन ट्रैक एप्लीकेशन यहाँ पे खुल चुका है। और यहाँ पे अगर आप दो तरीका से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले आप तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर को फिल कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डिटेल को फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो चलिए मैं अपना रेफरेंस नंबर को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आपने जब भी आवेदन किया होगा तो यहाँ पे आपको एक स्लिप मिला होगा यहाँ पे कुछ प्रकार से। तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर और यहाँ पे जब सबमिट किए होंगे वो आपको यहाँ पे डेट देखने को मिलता है और डिलीवरी डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इस नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस डेट से मैं इसको खोलूंगा कि बना है या नहीं बना है। तो चलिए इस पर आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर लेंगे। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिटेड डेट पर क्लिक करेंगे या डिलीवरी डेट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए सबमिटेड डेट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करते हैं कि मैंने कब इस डेट को मतलब कब इसमें अप्लाई किया था इस डेट को, वो डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे गलती हो गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये डेट और यहाँ पे इस कैप्चर को फिल कर लेते हैं। चलिए इस कैप्चर को मैं फिल कर लेता हूँ और कैप्चर को फिल करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप यस करेंगे। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको एक पेज खुल करेगा और सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। और सबसे पहले अपना एप्लीकेंट का नाम फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने मदर्स नेम को फिल कर लेंगे। तो चलिए फिल कर लेते हैं यहाँ पे अपने मदर्स नेम, फादर्स नेम और यहाँ पे अपने मदर्स नेम को फिल कर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एप्लीकेशन है यहाँ पे खुलकर आ जाएगा और यहाँ पे आप जो भी चीज़ यहाँ पे आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे देखने को मिलता है, आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलता है, सबमिटेड डेट यहाँ पे, डिलीवरी डेट देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका सब चीज़ डिटेल यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे एक हाईलाइट देखने को मिलता है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिलीवरी हो चुका है, स्टेटस दिखा रहा है डिलीवरी हो चुका है। और यहाँ पे आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे इस पे ओपन करेंगे इसको और यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो कि मेरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे देखने को मिलता है और फाइनली मेरा बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फाइनली ये बन चुका है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डिस्ट्रिक्ट से आ चुका है, मतलब
अंचल स्तर से बनवाया था मैंने, तो ये बन चुका है। और कुछ इस प्रकार से आप अपने रेसिडेंट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र को यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जिस तरह से मैंने बताया रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र को आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से कैसे डाउनलोड करोगे, इसका सारा जानकारी मैं इस वीडियो में दे दिया हूँ। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।